वृष राशि, पदोन्नति होने का योग बन रहा है। योजनाएं सोच समझकर बनावें और बृहद गृह निर्माण का योग बन रहा है। परिवार में कुछ ऐसे कार्य हो सकते हैं जिससे आपको बड़ा लाभ मिलेगा। वाहन खरीदने का भी योग बन रहा है और भाग्य से अगर आज आप कोई व्यापार करते हैं तो उसमें लाभ मिलेगा। साझेदारी में व्यापार करने से आज बचना है, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। तो कोई व्यापार साझेदारी में ना करें, इससे आज आपको परहेज करना है। और आज आपको क्या करना है कि आपके जो तृतीय भाव है राहु, बुध और चंद्रमा, तो तीसरा भाव होता है पराक्रम भाव, परिवार का भाव, भाई का भाव। तो आज आपको ये ध्यान रखना है कि अपने अनुज या अग्रज से कटु भाषा का प्रयोग नहीं करना है। परिवार में कोई ऐसा चीज़ नहीं करना है, कोई ऐसी बात नहीं करनी जिससे मनमुटाव हो। और कर्क का घर है, चंद्रमा का घर है, वहीं चंद्रमा बैठा, साथ में राहु बैठा, साथ में बुध भी बैठा है। बुध एनालिटिकल ब्रेन देता है, तो जो आप सोचेंगे उसमें वृद्धि करेगा। तो नेगेटिव थॉट में नहीं जाना है। और दूसरे ध्यान रखना है कि परिवार को आगे बढ़ाने में, चूंकि तीसरे में राहु बहुत महत्वपूर्ण फल देता है, तो ये व्यक्ति को हार्डवर्किंग बनाता है, जुनूनी बनाता है। तो आप बड़ा, जितना बड़ा योजना बनाएंगे उतनी बड़ी सफलता मिलेगी। तो आपको चार बिंदु का ध्यान रखना है। एक तो ये ध्यान रखना है कि भाई को कटु नहीं बोलना, आपके अग्रज हो या अनुज हो। दूसरा ध्यान रखना है कि परिवार में किसी प्रकार का विवाद नहीं करना है। तीसरा यह ध्यान रखना है कि घर को प्रगति हम कैसे करें, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। जो योजनाएं बनाएंगे आपको लाभ मिलेगा और सबकी दृष्टि भाग्य स्थान पर है, तो जो प्रयास करेंगे उसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी। तो आज आपको इसके लिए क्या करना है कि चिड़ियों को दाना खिलावें, आपके लिए अच्छा रहेगा। सावधानी क्या बरतनी है, अपने व्यवहार को संतुलित रखें, आपके लिए अच्छा रहेगा। और उपाय क्या करना है, गरीब को अगर कोई व्यक्ति असहाय है, नीडी है, तो उसको अगर कपड़ा दें तो बहुत अच्छा, उसको कपड़ा पहनाइए, भोजन कराइए, ठीक रहेगा। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपका ऑफ व्हाइट है और आपका लक मीटर 8 है। हरे कृष्ण।